खुद रसूल खुदा फरमाते हैं, अली अगर मुझे ये खौफ ना हो लोगों से कि जिस तरह उन्होंने ईसा को खुदा का बेटा बना दिया, मैं तुम्हारे फजाइल को बयान करता हूँ। रसूल खुदा जानते थे फजाइल मौलाए कायनात। अजाने मोहतरम, आप तसव्वुर करें, यानी एक लम्हे के लिए आप आए, आप कहाँ आए हैं, किस हरम में दाखिल हो रहे हैं, जहाँ हजरत आदम है, हजरत नूह है, दरमियान में अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम है, यानी गोया ये कबर कई सौ साल पहले से हजरत नूह ने तैयार करके रखी हुई थी। मकामे इमामत को समझें हम अपनी जिंदगी में, इमाम है क्या हमारी जिंदगी में, यानी इमाम कहाँ है, मजलिस में, मातम में, मन्नतें पूरी करने के लिए हमारे पास तो यही है, या मौजा पढ़ने के लिए इमाम अली हैं हमारे माशरे में, और कहाँ है इमाम मेरी जिंदगी में, इमाम कहाँ है, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन मेरी जिंदगी में कहाँ है, मेरी एजुकेशन में कहाँ है, मेरे घर के मामलात में कहाँ है, मैं घर में कैसा हूँ, मौलाए कायनात घर में कैसे थे, बाजार में कैसे थे, यहूदी के साथ कैसे थे, इमाम कहाँ है, यानी जब तक मैं उनको अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करूँगा इमाम नजर नहीं आएगा, और जब तक मेरी जिंदगी में इमाम शामिल नहीं होगा मैं वक्त के इमाम को कैसे अपने वजूद को दूंगा। सिर्फ तारीखी बात कर कर वाहवा कर कर उठ कर चले जाएं और इमाम के वो वाकयात बयान करें, इमाम के लिए फजाइल कम नहीं है। कुरान जब कहता है, और आप ज्यारत में पढ़ते भी हैं यहाँ पर जाते हैं, कुरान कहता है कि कलमतुल्ला के फजाइल अगर सारे दुनिया के दरख्त कलम बन जाए और समंदर स्याही बन जाए तो भी कलमतुल्ला के फजाइल बयान नहीं किए जा सकते। और हम ज्यारत में पढ़ते हैं मौलाए कायनात कलमतुल्ला है, अल्लाह का कलमा यही है, फजाइल बयान नहीं कर सकते, इतने फजाइल हैं, लेकिन ये फजाइल मेरी जिंदगी में क्या असर कर रहे हैं, ये मुहिम है। रसूल खुदा घर में दाखिल होते हैं, देखा मौलाए कायनात अपनी जौजा के साथ बैठे हुए, अज़ सैयदा के साथ बैठे हुए दाल साफ कर रहे हैं। रसूल खुदा कहते हैं कि जो मर्द अपने घर में काम करता है उसे कई सौ शहीदों का सवाब मिलता है। मगर इमाम अली को आप बोलेंगे इमाम अली घर में काम करते होंगे, मौलाए कायनात है, घर के अंदर कैसे हैं, मजदूरों के साथ कैसे हैं, अपने खुद पानी के कुएं खोद कर बांटा करते थे, पानी मुश्किल था सबसे बड़ा काम था। एक दिन बैठे हुए काम कर रहे थे कहीं पर, दोपहर का वक्त हुआ, अपने साहबी से पूछा कि खाने में क्या है, कहा सब्जी है मौला। मौला बैठ गए, मौला सब्जी खाने लगे, कहा मुझे ताज्जुब होता है कि दो लुकमे की खातिर लोग हराम काम करते हैं, दो लुकमा है और है क्या। खूब ये अली कहाँ है हमारी जिंदगी में, वो अली कहाँ है जो माना जाता है मीरुल मोमिनीन में अली है कि मौला या मौला अंतल मौला अनल अब, कि मैं ऐ मेरे मौला तू मेरा मौला है, मैं तो तेरा बंदा हूँ, क्या तू रहम नहीं करेगा जबकि तू मौला और मैं तेरा बंदा हूँ। वो अली कहाँ है जो दुआ कुमैल में कह रहा है कि परवरदिगार मेरा बदन मेरा जिल जो है वो दुनिया के अजाब को बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं कयामत के अजाब कैसे बर्दाश्त करूँगा। कहाँ है ये इमाम, यानी इसका मतलब है कि हमने इमाम को बस थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट किया हुआ है, बाकी इमाम मेरी जिंदगी में असल वजूद में मौलाए कायनात जब तक नहीं होगा, जब तक ये विलायत का वजूद इजहार नहीं कर सकता, और जब तक ये वजूद विलायत का इजहार नहीं करेगा वक्त के इमाम का साथ नहीं दे सकते, ये आसान नहीं है।